कार्यकर्ता को जगाया, हमने किसान के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन जब टिकट की बारी आई वो टिकट इन्होंने नहीं दी। लेकिन हमारे जो है वो तो पैराशूट से भी बड़ा शूट है, सब समस्या ही समस्या है जी। हाँ, तो आपसे क्या उम्मीद करें लोग? आपका स्वागत है। राजस्थान में विधानसभा चुनावों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जैसे जैसे 7 दिसंबर नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे उम्मीदवारों के दिलों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। श्री गंगानगर के सद्दू शहर में भी चुनावी घमासान चल रहा है। यहां कांग्रेस टिकट के प्रबल दावेदार व किसान नेता ओम बिश्नोई चुनाव मैदान में थे। इस चुनाव मैदान की दौड़ में कांग्रेस ने पार्टी ने टिकट से उन्हें वंचित रख किसी अन्य को प्रत्याशी बनाया। क्या कारण रहा किसी अन्य को प्रत्याशी बनाने का? क्या समस्याएं हैं साधु शहर की और जनता का क्या कहना है? इन्हीं कुछ सवालों के साथ आज हम बातचीत करेंगे निर्दलीय ताल ठोकने वाले ओम बिश्नोई से। ओम जी, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। ओम जी, आप कांग्रेस पार्टी से काफी समय से जुड़े हैं, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने आपको टिकट से वंचित क्यों रखा? क्या कारण रहा इसका? कांग्रेस का ऐसे है, हमारे सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जिले के अंदर कोई कांग्रेस नाम की चीज नहीं थी। मैंने 5 साल से यहां लेके गांव-गांव पद यात्रा करी, गांव-गांव में रैलियां करी, सोए हुए कार्यकर्ता को जगाया और कांग्रेस के लिए हमने हर प्रोग्राम जो किया, जो हमें ऊपर से आदेश आया हमने प्रोग्राम किया। हमने किसान के लिए लड़ाई लड़ी, हमने यूथ के लिए लड़ाई लड़ी, हमने पानी के लिए लड़ाई लड़ी, हमने मुआवजा के लिए लड़ाई लड़ी जो ओलावृष्टि हुई, उसके अलावा और जो लोकल समस्या है उस पर भी हमने लड़ाई लड़ी। लेकिन जब टिकट की बारी आई तो मैं कोई चुनाव लड़ने का इच्छुक नहीं था, लेकिन जनता ने कहा टिकट लड़ो। मैंने अप्लाई किया, सर्वे में सबसे आगे था मैं। उसके अलावा जितने भी काम थे उनमें भी हम आगे थे और हमारे बिश्नोई समाज को बीकानेर डिवीजन के अंदर 3.5 लाख वोट हैं। वो 3.5 लाख वोटों में से बीकानेर डिवीजन में एक टिकट देने की बात कही थी, लेकिन वो टिकट इन्होंने नहीं दी और कांग्रेस पार्टी को इसका खामियाजना अब भी भुगतना पड़ेगा और लोकसभा के अंदर भी भुगतना पड़ेगा। ओम जी, जहां तक हमें याद आ रहा है कि चुनाव हो गए हैं और आप कांग्रेस पार्टी से काफी समय जुड़े हैं और लोगों की समस्याओं से भी जुड़े हुए हैं। सचिन पायलट यहाँ आए थे और आपने एक बहुत बड़ी जनसभा की थी यहाँ, उसमें भारी संख्या में लोग मौजूद थे, तो उसके बावजूद आज पार्टी ने ऐसा किया, तो आपकी पार्टी के अलग नेताओं से बात हुई? मेरी सभी नेताओं से बात हुई थी, सभी मेरे पक्षधर थे टिकट देने के लिए। और जो किसान सम्मेलन किया था चुनामठ में, हनुमानगढ़ में 15,000 लोग इकट्ठे हुए, कहीं 20,000 हुए। पायलट साहब आए, चाहे डूडी साहब आए, चाहे कोई राष्ट्रीय नेता आया, चाहे अविनाश पांडे जी आए, हमने खूब किया। काजी साहब आए, मेरा बूथ मेरा गौरव, बहुत काम किया। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जिस तरह उन्होंने हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल जी थे, उन्होंने ये कहा था कि मैं ऐसे लोगों को टिकट नहीं दूंगा जो पैराशूट है, लेकिन हमारे जो है वो तो पैराशूट से भी बड़ा शूट है। नहीं, क्यों? क्या वो यहाँ के निवासी नहीं है? यहाँ रहने वाले नहीं है? वो दिल्ली रहता है, दिल्ली में जो हाई सुप्रीम कोर्ट का वकील है वो यहाँ रहते ही नहीं, तो वो कैसे? पिछली दफा आया यहाँ, चुनाव लड़के चला गया। उसने कभी जगदीश जांगड़ को टिकट मिली है यहाँ? जगदीश जांगड़ है, हाँ, उसको टिकट मिली है। उसका ना तो किसी प्रकार का आधार है, ना कोई जनाधार है, ना वैसा आधार है, ना गरीब के लिए कभी गया, ना किसान के लिए गया, कभी धरना नहीं दिया, पानी के लिए नहीं गया। नहीं तो ऐसा पार्टी ने क्यों किया? आपने क्या जजमेंट की? पार्टी ने पता नहीं किस लिए किया। पार्टी पर ऐसा क्या दबाव था? पता नहीं हमें क्या दबाव था। हमारे वरिष्ठ नेता जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे संतोष जी सारण, उनका नाम, वो प्रबल दावेदार थे।
अगर उन जैसे आदमी को भी टिकट मिलता तो सारे लोग हम उनके साथ खड़े रहते, हमारे यूथ के लड़कों को मिलता तो भी खड़े रहते। लेकिन जिस तरह ये पैराशूट आया है, इससे बड़ा पीड़ा हुई है सभी कांग्रेस मैनों को और सारी जनता को। अब मेरे को यहाँ की जनता ने, सादुल शहर की जनता ने अपना टिकट दिया है, उस अपने टिकट पे मैं चुनाव लड़ रहा हूं और मेरा चुनाव चिन्ह बल्ला है, बल्ला, उस बल्ले के निशान पे मैं लड़ रहा हूं और मैं भारी बहुमत से जीतूंगा चुनाव। और यहाँ की सेवा, आपका कहने का मतलब ये है कि वोट जनता देती है, बिल्कुल ना कि पार्टी वोट देती है, पार्टी से टिकट देती है, जबकि वोट जनता देके विधानसभा लोकसभा भेजती है। मैं तो देखो जी, मैं ईमानदारी, सच्चाई, गरीब के साथ, किसान के साथ हमेशा खड़ा हूँ और खड़ा रहूंगा। और मेरा ये ध्येय जो अधूरे काम है और मेरा मैनिफेस्टो रहेगा, विकास, यूथ की नौकरी की बात, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात, और मैं इस सादुल शहर को एजुकेशन सिटी बनाऊंगा, ये मैंने पहले भी कहा है, ये मेरा प्रमुख मुद्दे रहेगा। ओम जी, समस्या क्या है आपकी राजस्थान क्षेत्र की मुख्यतः? सब समस्या ही समस्या है जी। यहाँ इस शहर के बहुत बुरे हाल है, गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें नहीं है और रोजगार का कोई यहाँ साधन नहीं है। यहाँ किसी प्रकार का गरीब आदमी है, उसको लोन नहीं मिलता, नरेगा भी चलती है तो पूरी दिहाड़ी नहीं मिलती उसके अंदर, यहाँ परेशानी परेशान है। और किसान को जो उसका मूल्य जो रखा हुआ है गवर्नमेंट द्वारा, वो भी नहीं मिलता। आज अक्सर देखा जाता है कि चुनाव लड़ने से पहले नेतागण अनेक लंबे छोटे वादे करते हैं, लेकिन बाद में उन वादों को अमली जमा नहीं पहनाया जाता, तो आपसे क्या उम्मीद करें लोग? देखो जी, मैंने 5 साल के अंदर गरीब बच्चों की शादी, गरीब की सहायता हर जगह करी है, दुनिया को पता है, और दुनिया आज इसलिए मेरे साथ खड़ी है। मैं इनको बहुत बहुत सलाम करता हूँ, ऐसी जनता को जिन्होंने मेरे को पकड़ के मजबूर किया कि हमारी टिकट पे आप। आपका कहने का मतलब है कि जनता ने जो आप पे विश्वास दिखाया है, बिल्कुल उस पर कभी आप फेस नहीं लगने देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इनके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा, 24 घंटे खड़ा रहूंगा। धन्यवाद जी। अभी हम बातचीत कर रहे थे सादुशहर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ताल ठोकने वाले ओम बिश्नोई से। इनका कहना है कि लोगों ने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए मजबूर किया है और लोगों का जो प्यार मिला है और मिल रहा है उसको वे कभी ठेस नहीं लगने देंगे और वे उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। आगामी किसी शख्सियत से मुलाकात के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।